विधानसभा के चुनाव हो रहे हैं और मैं इस असेंबली हलके से कांग्रेस पार्टी के सिंबल पे कांग्रेस पार्टी से कांग्रेस राष्ट्रवादी कांग्रेस आरपीआई अगाड़ी से कांग्रेस का अधिकृत उम्मीदवार और मैं आप लोगों से गुजारिश करने आया हूं कि मुझे आप लोग अपना बहुमूल्य वोट दे करके इस असेंबली के इलेक्शन में जीतने में मदद करें। पिछले 30-35 सालों में हमने शहर में क्या किया है आप में से कई लोग उस बात को जानते हैं, जो नए होंगे उन लोगों को शायद उसकी मालूमात कम होगी। 30-35 साल का हमारा काम आप लोगों के सामने है और 5 साल के अंदर जो बीजेपी का एमएलए है इस शहर में उसके कितने बेहतरीन काम है वो भी आप लोगों ने टीवी में मीडिया में व्हाट्सएप पे फेसबुक पे देखा है। मैं भी 9 साल एमएलसी रहा अपर हाउस में, तो मुझे 5 साल के अंदर पहले ही 5 साल में मुझे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास से बेस्ट पार्लियामेंटेरियन का बेस्ट स्पीकर का अवार्ड मिला। अब 5 साल में जो बीजेपी का एमएलए है उसको भी अवार्ड मिला, मगर हाईकोर्ट से मिला कि उसके ऊपर केस दाखिल। एक को हाईकोर्ट के थ्रू डायरेक्शन हुआ, एक को असेंबली में से प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से। अब आप दोनों का फर्क जो है आप बेहतर जानते हो। पिछले इन 5 सालों में आपके हमारे इस शहर में टोल टैक्स हटाने का वायदा था, मुझे तो दिखता है कि वो हट गया है। हटा है कि नहीं? तो अगले 5 साल में मुझे उसका हटाना है। इस शहर में 2 रेलवे स्टेशन है, मीरा रोड और भयंदर। मीरा रोड से लोकल ट्रेन शुरू करनी है, भयंदर से महिला स्पेशल ट्रेन बनानी है, भयंदर से दूसरी ट्रेन को और उसमें बढ़ोतरी करनी है, बोरीवली से विरार तक के 6 ट्रैक्स करना है। आपके ऊपर हमारे ऊपर जो गार्बेज का डबल टैक्स लगा हुआ है उसे हमें हटाना है, पानी का जो बिल बढ़ गया है और पानी कम हो गया है तो पानी बढ़ाना है और बिल कम करना है। 5 सालों में पानी आपका कम हुआ है और बिल 7 रुपए से 14 रुपया हुआ है। कचरा उठता नहीं है, मगर स्वच्छ भारत टैक्स एक अलग चलता है, म्युनिसिपैलिटी का सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट टैक्स एक अलग चल रहा है और आप पे कचरा गार्बेज टैक्स जबरदस्ती गब्बर सिंह टैक्स ठोक दिया गया है, तो उस टैक्स को हमको हटाना है। इस शहर के अंदर के जो भी समस्याएं हैं और जो काम करने की जरूरत है हमने हमारे मैनिफेस्टो के थ्रू, मैनिफेस्टो लाया है किसी ने? उस मैनिफेस्टो में हमने लिखा है कि हमको अगले 5 साल में क्या क्या करना है। कोर्ट की बिल्डिंग हमने जो आप बना के रखी थी जितनी, वो वैसे ही पड़ी है, उसका उद्घाटन तक नहीं हुआ। प्लेग्राउंड्स नए कोई बने नहीं। कल रात में मैं महाड़ा में था तो महाड़ा के बीच का एक प्लेग्राउंड है उसे भी जंगल हो गया है। ये जंगल नहीं, वहां पे भी कुछ बिल्डिंग बनाने का चक्कर चल रहा है या पार्किंग की बिल्डिंग बनाने का चक्कर चल रहा है। तो इसमें हमने हमारे जाहिरनामे में सारे मुद्दे आपके मालूमात के लिए लिखे हैं जो हमको अगले 5 सालों में करना है। क्या नहीं हुआ है वो आप लोगों के सामने है और क्या हुआ है वो आप लोग रोज सुन रहे हो, देख रहे हो। पिछले 5 साल में कॉरपोरेशन 750 करोड़ रुपए के कर्जे में जा चुकी है।
कॉर्पोरेशन में करप्शन की कोई लिमिट नहीं रहेगी। शहर में मैंग्रोव काट दिए जा रहे हैं, नष्ट किए जा रहे हैं, वेटलैंड्स बर्नी करके बंद किया जा रहा है और इस वजह से आपके भी इस इलाके में पानी भरता है, क्योंकि पानी जाने का जब रास्ता नहीं रहेगा तो पानी भरेगा। अंडरग्राउंड ड्रेनेज सिस्टम बनाकर 5 साल तैयार है मगर शहर में उसे चालू नहीं किया जा रहा। माड़ा के पास एक अन्ना स्थिति बनी, उसका हैंडओवर नहीं लिया, किस कॉन्ट्रैक्टर को दे दिया, 3 मजदूर उसमें गिर के उनकी डेथ हो गई। बस परिवहन सेवा जो हम लोगों ने शुरू की थी, 50 बस से 12-13 बसेस पे आ गई, नई बसेस नहीं चली। सीएम साहब ने बसेस का उद्घाटन करके गए मगर वो बसेस आज तक चालू नहीं हुई, क्योंकि टेंडर किसी एक व्यक्ति को लेना, वो आप समझ सकते हैं कि वो एक व्यक्ति को जिसने महापालिका में क्रस्टन बढ़ाया है। स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स हम लोगों ने बनाया, उसका टेंडर भी उसी व्यक्ति ने, प्रमोद महाजन सभागृह हम लोगों ने बना के गए, उसका टेंडर भी यही लोग लेते, टेंडर कोई भी नहीं, मगर लोक प्रतिनिधि का काम है सेवा का, ना कि मेवा का। 5 साल में 750 करोड़ रुपए अगर कॉर्पोरेशन में नुकसान हुआ है, आप समझ सकते हैं साल का 150 करोड़ रुपया कहां गया। साल का महापालिके का बजट ऑन एन एवरेज, बजट तो ऐसा 1000-1200 करोड़ का बोलते हैं, लेकिन एक्चुअल बजट उसका है 800-850 करोड़ रुपया रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर साइड। उसका 20% आप पकड़ लो तो बरबर 150 करोड़ रुपया आता है, और 150 करोड़ रुपए से आप 5 साल का गिन लो तो 750 करोड़ रुपया आता है, और 20-25% इस महापालिके में करप्शन चलता है, ये पब्लिकली लोगों को मालूम है, तो हिसाब टैली हो गया। आप सब कारोबारी लोग हैं, आपको बैलेंस शीट टैली करने में 2 मिनट लगता है, मैंने यहां खड़े खड़े आपका ट्रायल बैलेंस बना के इनकम एक्सपेंडिचर बता दिया कि 750 करोड़ रुपए कहां गया है, ये आपके नजरों के सामने है। ये 25% का कमीशन इसने शहर को नर्क की तरफ डाल दिया। मुझे ये चुनाव लड़ने में कोई खास दिलचस्पी नहीं थी, आप में से कई लोग जानते हैं कि पिछले 3 साल मेरी हेल्थ काफी खराब थी, स्पाइन की 3-3 सर्जरी हो गई, आप लोग कई लोग घर पर भी देखने आ रहे थे, और उसी वक्त लोग आके मुझसे कहते थे कि साहब आपने अपने आप को शहर से दरकिनार कर लिया है और इसके लिए शहर के अंदर ये बकासूर इस तरह से पैदा हुआ है, ना किसी का कोई काम हो रहा है, गरीब आदमी हो, अमीर आदमी हो, व्यापारी हो, चाहे जो हो, हर एक के ऊपर अन्याय इस शहर में हो रहा है, और आपको लोगों के लिए ये चुनाव लड़ना पड़ेगा, और आपको इस चीज को जो है भ्रष्टाचार को और अन्याय को खत्म करना पड़ेगा। दिवाली से लेकर के तो मार्च तक, पिछले दिवाली से लेकर मार्च तक आप लोगों से भी, कई लोगों से मैंने इंडिविजुअल भी बात करी, जब जब आप लोग आए हैं मैंने हर एक से बात की, तकरीबन 10,000 फैमिलीज से मैंने बात की, और हर एक का ओपिनियन जाना कि मैंने चुनाव लड़ना चाहिए या नहीं लड़ना। हर आदमी ने कहा कि सर आपको चुनाव लड़ना चाहिए, शहर के लिए लड़ना चाहिए, आपने शहर को बनाया है और ये शहर का आज सत्यानाशी की तरफ जा रहा है और इसे आपको रुकना आपकी जाती जिम्मेदारी बनती है, और इसी के चलते भी फिर मैंने ये फैसला लिया कि ठीक है मैं चुनाव लड़ूंगा। आज माहौल जो भी है वो आपको आप और हम अच्छी तरह जानते हैं। लोगों से सिर्फ मेरी ये गुजारिश है कि ये चुनाव इस शहर के लोक प्रतिनिधि का है, ना कि दिल्ली का चुनाव है, तो दिल्ली की तरफ मत देखिए, अपने शहर की तरफ देखिए कि एक लोक प्रतिनिधि उम्मीदवार आपके सामने है जिसने और जिसके परिवार ने 30-35-50 साल इस शहर के लिए दिया है, और 1 रुपये का भी इल्जाम हमारे दामन पे नहीं लगा, ना मेरे पे ना हमारे फैमिली पे। जो भाजपा का उम्मीदवार है उसने तो असेंबली में कहा कि मेरे ऊपर एक केस नहीं,
मगर अभी जब एफिडेविट फाइल किया तो 22 क्रिमिनल केसेस पब्लिक डोमेन में आपको दिखता है। आप इलेक्शन कमीशन के साइट पे जाके आप देख सकते हैं कि 22 क्रिमिनल केसेस, मगर हमारे ऊपर कोई इल्जाम, कोई गलत चीज इतने 35 साल के सामाजिक जीवन में कहीं पे हमारे पे दाग नहीं है, ना हम पर है, ना फैमिली पर, और ना इंशाल्लाह ताला आगे कभी जिंदगी में आए। क्योंकि हम पॉलिटिक्स में ना किसी अहदे के लिए है, ना पैसे कमाने के लिए। जो कुछ भी रब्बुल आलमीन ने दिया है हम उसमें बहुत ही खुश हैं, बहुत दिया है। दौलत से ज्यादा नाम दिया है, शोहरत दिया है, इज्जत दिया है। लोगों के पास पैसे बहुत होते हैं मगर इज्जत नहीं मिलती, शोहरत नहीं मिलती। तो हमको तो ऊपर वाले ने जो हमारे पास नहीं है तो भी लोग हमको समझते हैं कि हजारों करोड़ के मालिक हैं। तो ये ऊपर वाले की देन है, जिनके पास हो है लोग बोलते हैं गांव का लूट के लिया है। तो इज्जत देने वाला, जिल्लत देने वाला वो रब्बुल आलमीन है, अल्लाह ताला है। और आवाम का साथ और प्यार और मोहब्बत जिसको मिलता है, तो मैं समझता हूँ जिसके, मुझे कई लोग हमारे लोग वर्कर्स बोलते हैं साहब आपने स्मशान बनाया, कब्रिस्तान बनाया, बरेल ग्राउंड बनाया, सब बनाया, आज ये सब जगह से आपका नाम निकाल दे रहा है। गेट बनाता है, 1 लाख रुपए MLA फंड का डालता है और खुद का नाम लिखता है। बोला ये बोर्ड पे नाम हटा सकता है, लोगों के दिल में जो नाम है उसको कैसा है। जो काम हमने अपने आखिरत के लिए किया है उसको तो कौन हटा सकता है। तो हया जब तक तो दुनिया रहेगी तब तक जितने वहां पे दफन हुए हैं उनकी दुआएं निकलते रहे। 2000 में जब हमने वो म्युनिसिपैलिटी को कॉरपोरेशन बनाया तब उस वक्त 6 करोड़ रुपए अपना पर्सनल पैसा लगाया था, MLC का नहीं, तभी मैं MLC नहीं था, MLC में 2004 में बना। पर्सनल पैसा 6 करोड़ रुपए मैंने उस वक्त लगाया। काश कि अगर मैंने 6 करोड़ रुपए बिजनेस में लगाया होता तो आज 600 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी मेरे पास थी, मगर उस 600 करोड़ से 6,00,000 करोड़ रुपए की दुआ मेरे पास। तो मुझे इस बात का बिल्कुल गर्व नहीं, गिला नहीं, शिकवा नहीं कि किसने मेरा नाम रखा निकाला, कि कौन मेरा एहसान मानता है नहीं मानता है, कौन मुझे याद रखता है नहीं रखता है, क्योंकि देखने वाला वो ऊपर वाला है। और मैं सिर्फ हमेशा ये बोलता हूँ, मैं सिर्फ 2 लोगों पे भरोसा करता हूँ, एक उस पर, एक अपने आप पर, अपने ईमान पर, अपने कर्म पर और अपने रब्बुल आलमीन। वरना आज जहां मैं आप लोगों के सामने खड़ा हूं, मेरी 3 स्पाइन की सर्जरी के बाद मैं खड़े भी नहीं रह सकता, मगर आप लोगों की दुआ है, उसकी मर्जी है कि मैं दौड़ रहा हूं, चल रहा हूं, फिर रहा हूं, 18-20 घंटे काम कर रहा हूं, ये सिर्फ और सिर्फ दुआओं का साथ। तो ये जो लड़ाई है मुखी साहब, ये वोट की लड़ाई नहीं है, आपके वोटों से मैं नहीं जीतने वाला, आपके दिल से जो दुआ निकलेगी मैं उससे जीतने वाला। आप जो दिल से दुआ दोगे मैं उससे जीतने वाला हूं। तो मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि हाथ उठा करके जब तक के चुनाव हो रहा है, जब तक के फैसला आएगा, तब तक के मेरे लिए, मेरे हक में दुआ मांगिएगा, इस शहर के हक में दुआ मांगिएगा, इस लड़ाई जो हमने शुरू की है करप्शन और इनजस्टिस के खिलाफ, इसके लिए दुआ मांगिएगा। और इस लड़ाई में आप मेरा साथ दोगे ऐसे मुझे पूरी उम्मीद है। आप सब लोगों ने मुझे यहाँ बुलाया, इसके लिए मैं आप तहे दिल से आप लोगों का शुक्रगुजार हूँ। शुक्रिया, खुदा हाफिज़, जय हिंद, जय महाराष्ट्र।